नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। हरियाणा के स्टार डांसर जिनकी आंखों के काजल पर लोग दीवाने हैं, जिनके घूंघट की ओट में चांद का अक्स नजर आता है, जिनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जहां वो पहुंचती हैं तो भीड़ का उमड़ना तय होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाखों और करोड़ों दिलों की धड़कन सपना चौधरी की। और इस वक्त हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ गई हैं खुद सपना चौधरी। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सपना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सपना, पूरा देश लॉकडाउन में है इस वक्त, तमाम चीजें लोग अपने घर पर कर रहे हैं। सपना चौधरी इन दिनों घर पर क्या कर रही हैं? मैं छुट्टियां मना रही हूँ। छुट्टियां किस तरह से मना रही हैं? कुछ तो कर ही रही होंगी। बड़ी मौज मस्ती में, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में मामा के घर जाया करते थे, तो बिल्कुल फ्रीडम मिला करती थी। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होते थे उस टाइम, होमवर्क का डर नहीं होता था जी, और बस मौज मस्ती रहा करती थी। उसी तरीके से लग रहा है कि छुट्टियां सेलिब्रेट हो रही है अभी हमारी। अच्छा, छुट्टियां सेलिब्रेट हो रही हैं घर पे। खैर, सपना, दर्शक जानना चाहते हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं, क्या सपना आम लड़कियों की तरह घर पर झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बनाने का शौक, इन सब कामों पर भी ध्यान दे रही है या सिर्फ मौज मस्ती? नहीं नहीं बिल्कुल सारे काम करने पड़ते हैं, और सेलिब्रिटीज हैं मानते हैं, लेकिन इंसान भी तो है, लड़की हूँ, इनफैक्ट सब देखना पड़ता है। घर में काम करने वाले अभी आ नहीं रहे हैं तो हमें ही करना पड़ता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि किचन में भी और घर में भी लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं पहले से करती आ रही हूँ तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा फील होता ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी किया है, सर्वेंट सभी आने लगे हैं 3-4 साल से जी। उससे पहले हम ही करते थे तो आदत है, इतना नॉर्मल है हमारे लिए, ऐसा नहीं लगता। और मेरे ख्याल से हर सेलिब्रिटी के लिए नॉर्मल ही होता है, लोग हमें टीवी पे देखते हैं तो शायद उन्हें लग जाता है ओहो ये भी काम करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम भी काम करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अपना काम वैसे भी खुद ही करना चाहिए। खैर, लॉकडाउन में जो जिनकी आदत छूट गई थी वो इस आदत को फिर से डाल लेंगे। सपना, शायद आप देश की ऐसी पहली महिला होंगी जिसने रागिनी से शुरुआत की। आमतौर पर रागिनी जो है मर्दों के बीच जो है चर्चित होती थी, लेकिन रागिनी से शुरुआत की आपने और आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई हैं। कैसा रहा ये सफर? सफर बड़ा ही रोमांचित रहा, ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म जी है। मैंने काफी सहन करना पड़ता है, काफी बर्दाश्त किया है, काफी लोगों को सुनी है, लेकिन आखिरी में वही आदमी सक्सेस होता है जो सुन के इस कान से इस काम से निकाल दे। तो बिल्कुल, इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाला ही सक्सेस होता है, और सपना के फैंस को ये बातें जान लेनी चाहिए। फिलहाल सपना, बात करें अगर काम जिस वक्त आपने शुरू किया तो उस वक्त बदलता दौर आपने देखा, वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता था, तो ऐसे में किस तरीके से थॉट आया कि जो है हमें वीडियोस बनानी चाहिए? क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर अगर पंजाबी सिंगर्स की बात करें तो पंजाबी में वीडियोस बनाई जाती थी। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको हरियाणा की लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ना है और इसी लैंग्वेज के सहारे आप बॉलीवुड तक पहुंच गई और इसी लैंग्वेज के सहारे आपने अपना नाम रोशन किया? पंजाबी इंडस्ट्री में वीडियोस बना करती थी, बड़ा हाई लेवल पे थी पंजाबी इंडस्ट्री, उनको स्टॉक भी मिला करता था कि हाँ इतने बजट की हम वीडियोस बनाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर होते थे उनके पास, उस टाइम कंपनियां हुआ करती थी। हरियाणा के पास कुछ नहीं था, ना कंपनियां थी ना डिस्ट्रीब्यूटर होता था, तो 2-4 कंपनियां थी, एनडीजे थी और एक दो और थी जो लाइव शो को कवर करके और उनकी सीडी बनाया करते थे और वो सीडी सेल हुआ करती थी। तो मैंने डांस किया था पहला झंडू सर के साथ, 12 टिकट बड़ा फेमस हुआ, उसकी सीडी इतनी बिकी कि एनडीजे वाले ने मुझे खुद कॉल किया था कि मैं आपको बॉन्ड करना, लेकिन उस टाइम शायद इतनी अकल नहीं थी तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उस दौर से शुरू हुआ। धीरे 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 जब लैंग्वेज बढ़ने लगी, गाने अच्छे आने लगे, हमारे पास हमारी अपनी कंपोजिशन होने लगी, म्यूजिक होने लगा, राइट्स अपने लोगों को पता लगने लगा कि राइट्स नाम की भी कोई चीज होती है, अपना हक होता है एक गाने पे, तो जैसे जैसे हम चीजें सीखने लगे तो उस दौर से, आज इस दौर की बात करें तो आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर भी है,
आज हमारे पास सरकार का साथ भी है और अच्छी अच्छी कंपनियां भी है। इनफैक्ट जो हाई लेवल की कंपनियां होती थी जैसे जी टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, वो सब हरियाणा के लिए भी काम कर रही है। जी सपना, जिस गाने की सीडी धड़ल्ले से बिकी हो और जिसको जब एंड म्यूजिक वालों का जब कॉल आया हो तो सपना खिल के गुलजार हो गई हो, तो वो चंद जो शब्द हैं वो जरूर सुनना चाहेंगे जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और सपना चौधरी अगर स्क्रीन पर हो और वो गाना न गाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गाना मुझे ठीक से याद नहीं है अभी, कुछ बोल ही सही, उसका टाइटल याद है। हरियाणा के रोहतक में जन्मी वो कुछ ऐसा था, मैंने सुना तू बल्ली हो गया, मैं पीला लगावे से दारू के पैग लगावे, लागे सुकड़ सुकड़ खावे से, कौन भका गया तन्ने डेली जिम जाऊं तू, ढाई लीटर दूध गल बारह टिकड़ खाऊं तू। याद है, बहुत खूबसूरत। याद नहीं होगा तो अब इंडिया बॉयज याद दिला देगा आपको। खैर सपना, बहुत खूबसूरत गाना गाती हैं आप और यही कारण है कि चारों तरफ से आपके दीवाने हैं। और सपना अगर बात करें हम, वो कौन सा गाना है, आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे हर कोई जानता है, हर कोई दीवाना है, वो कौन सा गाना है जिस पर आपने पहली बार परफॉर्मेंस दी डांस की और उसके बाद आपको लगा कि नहीं अब सिंगिंग छोड़कर मुझे डांसिंग की तरफ जाना चाहिए, कौन सा गाना था वो? जब मैंने काम शुरू किया था जी, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं डांस करूंगी, मुझे एज ए सिंगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना था जी, पर शायद नसीब में नहीं था। गाती तो मैं अब भी हूँ, लेकिन दो चार गाने अब शौकिया तौर पे गाने पड़ते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए, बाकी मुझे पता है लोग मुझे एज ए सिंगर इतना पसंद नहीं करते हैं, एज ए डांसर उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, बहुत सराहते भी हैं लोग मुझे, एज ए डांसर इतने रिस्पेक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल है जितनी लोग मुझे देते हैं। तो जब शुरू किया था तो कोशिश थी कि सिंगर एज अ सिंगर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नसीब नहीं नहीं था। एक दिन जब सिंगिंग करने के बाद डांसर नहीं आई थी स्टेज पे, तो पता नहीं मुझे क्या भूत सवार हुआ, मैंने बोल दिया कि चलिए मैं कर देती हूँ, मैं हूँ भी इतनी अच्छे दिल की, जो चीज नहीं भी आता मैं उसके चल देती हूँ, चलो यार मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो तब मैंने ड्यूट गाना किया था बारह टिकट, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला था, वो पहला ही गाना था जो मैंने डांस परफॉर्म किया था, तो केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई आपस में कि मुझे लोग उस टाइम पे फिर किसी को पता नहीं था कि नाम सपना है, तो सभी राजस्थान की तरफ यही बोलने लग गए थे कि वो बारह टिकट वाली लड़की को लेके आओ, वो उसका हमें डांस देखना। तो उसके बाद सपना चौधरी के बारे में लोग जानने लगे। सपना, वो गाना जो है जो आप जिसकी बात कर रही हैं, चाहेंगे कि आप उसे गुनगुना कर जरूर सुनाएं, क्योंकि अपनी पहली परफॉर्मेंस तो हर किसी को याद रहती है। बिल्कुल छोड़ेंगे तो नहीं, हम सुनेंगे तो जरूर। वो अभी मैंने सुनाया था बारह टिकट, वो ही गाना है जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह टिकट, ठीक है, चलिए। पहला गाना था जो मैंने एज अ डांसर स्टेज परफॉर्म किया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सपना, आप बिग बॉस में भी एज अ कंटेस्टेंट रही हैं, वहां पर भी काफी लोकप्रियता आपने कमाई है और घर घर तक पहुंच गई थी सपना चौधरी, और चाहे हरियाणवी हो चाहे कोई भी हो, आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, आपके फैंस हो, उनको आपके ऊपर गर्व था कि भाई नहीं, सपना चौधरी हैं, हम इनके फैन हैं और वो बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं। सपना, बिल्कुल सही बात है कि अपना घर सबसे बेहतर होता है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सपना चौधरी जब भी आती हैं, जब भी उनका गाना कोई भी रिलीज होता है तो लोग जरूर देखते हैं, कुछ ही मिनटों पर सोशल मीडिया में उसमें हजारों लाखों व्यूज हो जाते हैं। और अगर बात करें कुछ चर्चित गाने की, तो मुझे बहुत पसंद है आपका वो गाना तेरी आँख्या का यो काजल, कई बार हालांकि हरियाणी भी प्रॉपर आती नहीं है बट फिर भी गुनगुना लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसे जरूर गुनगुनाएं और जरूर सुनाएं चार लाइनें हमारे दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए। ये गाना आज भी मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग में आता है हरियाणा के जी, और ये हरियाणा की आज भी पहचान है, कल भी पहचान था, और खुदा ने चाहा तो हमेशा पहचान रहेगा, और इसके ये पहला गाना ऐसा है जिसके व्यूज करोड़ों में है, अरबों में है, तो तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मैं सुनने वालों का। और जहां तक रही गुनगुनाने की बात, गला थोड़ा सा खराब है तो अगर सुर इधर उधर खिसक जाए तो समझ जाइएगा कि गला खराब है। ठीक है बिल्कुल, तो सुनाएंगे जरूर।
तेरी आख्या का यो काजल, मन करे सगोरी भायल, तू सहज सहज पाधर ले, मेरा दिल धड़का वे आवे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी वापस आ रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सपना। बिल्कुल सपना, लॉकडाउन का समय है और देखा जा रहा है कि लोग ऐसे में बावड़े छोरे जिन्हें कह सकते हैं हम लोग सड़कों पर घूमते हैं बेवजह, लॉकडाउन होने के बावजूद भी ऐसे जो घने छोरे घूम रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में कि वो भी घर पर ही रहें और जो है लॉकडाउन का पालन करें? हमारे में कहते हैं कि बावड़े की कोई समझ ही नहीं होती, जब छोरे आपने बोल ही दिया कि बावड़े छोरे, तो बावड़े तो भाई मेंटल असाइलम में होते हैं, तो उनको तो फिर समझा ही नहीं सकता, पागल पागल की भाषा समझते हैं, तो या तो उन्हें पागल होके समझाओ जी, या उनको समझाना ही बंद कर दो, क्योंकि जिसको हमारे हरियाणा में कहावत है कि जिसको खड़ा नहीं दिखेगा उन्हें पढ़िया के दिखेगा, मतलब जिसको एक जिंदा इंसान नहीं देख सकता अच्छा भला चंगा, तो उसे नीचे लेटा हुआ इंसान कैसे दिखेगा? तो ये उन्हीं में से बड़ी जिसको सिचुएशन की कदर नहीं है, जो अपने हिंदुस्तानियों की, अपने घर की, अपने परिवार की, हालांकि खुद की सेफ्टी नहीं कर सकते, तो उनको मेरे ख्याल से कुछ समझाना जरूरी नहीं है, वो डंडों की बाजा समझेंगे, तो जब उनको चार पांच डंडे लग जाएंगे तो अपने आप समझ के घर के अंदर बैठ जाएंगे। जो सलीका होना चाहिए वो सपना चौधरी से सीखना चाहिए, खासकर सूट पहनने का। और सपना एक चीज और मैं कह पूछना चाहूंगी यहाँ पर, आप डांस बहुत खूबसूरत करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चारों तरफ आपकी फैंस फॉलोइंग है। सवाल यही है कि सपना चौधरी जब डांस करती हैं तो बेहद ही नेचुरल होता है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कोरियोग्राफी के, खबरें ये भी है कि आप म्यूजिक भी कंपोज कर लेती हैं, कैसे करती हैं ये सब कुछ? हो जाता है जब एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है और आप किसी कुर्सी पर बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पब्लिक को एंटरटेन करना ही करना है जी, तो आप कोई भी कुर्सी पर बैठ जाओ आप ढल जाते हो। बिल्कुल सपना, सबका जो सवाल है एक हमेशा ही उठता है और मेरे जहन में भी ये सवाल है कि कैसा होगा सपना के सपनों का राजकुमार, या फिर सपना किसकी बनेगी सपनों की रानी? कहा सकते हैं कि हर चीज का इंतजार करना चाहिए, तो क्या अभी फैंस को इंतजार करना होगा? ज्यादा नहीं, हाँ पर करना होगा, और शायद होपफुली बहुत ही जल्दी हम मैं मतलब अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करूंगी, लेकिन जैसा होगा वो सभी जानते हैं, मैं शुरू से ही कहती थी कि मुझे मेरे ही जैसा चाहिए, ठीक देसी बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, दिल साफ होना चाहिए इंसान का, और हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि घर ही ना हो वर ही ना नहीं होना चाहिए, तो अगर एक पति अच्छा मिल जाता है आपको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे काम में मतलब एक जब एक मेल आर्टिस्ट की और एक फीमेल आर्टिस्ट की बात आती है तो दिन रात का फर्क आ जाता है जी, तो जिस तरीके से मैं अपने आपको एक फीमेल आर्टिस्ट एज अ हरियाणा परफॉर्मर देखती हूँ, तो मेरे काम को समझने वाला चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको हालांकि उनको पता है लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो मैं बताती हूँ लोगों को चिल्ला चिल्ला के कि प्रोफेशनल और पर्सनल इंसान अलग अलग होता है, चाहे आप कुछ कर लीजिए लेकिन होता है, क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है कि जितने भी विलन होते हैं हमारे बॉलीवुड में वो बेहद अच्छे मिलते हैं, इतने अच्छे नेचर वाइज इतने अच्छे हैं कि आप एक बार तो सोच में पड़ जाते हो कि अरे बाबा ये वही है जो फिल्मों में गुंडों का रोल करते हैं, और असल असल जिंदगी में वो हीरो होते हैं, बहुत ही हीरो, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आपके ऐसे हवा जाएगी एकदम से कि वही इंसान है, तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम अपना घर, पहले घर चलाने के बाद थी, अब मैं घर में बैठ सकती हूँ, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती है
उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं स्टेज पे उतरती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर काम करते हैं, हम स्टेज पे डांस करते हैं, हम अपना घर चलाते हैं, कई लोगों का पेट पालते हैं, तो आप हमें जज करने के काबिल हो। आप हमें जज नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता किसी को जज करने का। बिल्कुल। और जब तक आप किसी के बारे में जानते ही नहीं, तो आपको जज करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सपना, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा है भी, तो है भी को मैं लेकर जानना चाहूंगी कि नाम डिस्क्लोज करेंगी या फिर अभी छुपा कर ही रखना उसको? अभी अभी नहीं, तो अभी इंतजार करना होगा। हाँ जी। तो चलिए, मैं कहूंगी अपने दर्शकों मैं अपने दर्शकों को और आपके फैंस को जरूर कहूंगी कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सपना चौधरी जरूर डिस्क्लोज करेंगी। सपना, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग जो है उसकी बहुत धूम है, चारों तरफ कई बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं, ज्यादातर आम लोग भी अब यही कर रहे हैं, तो क्या सपना चौधरी के मन में ऐसी कोई बात है कि वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगी, हरियाणा से बाहर निकलेंगी या फिर देसी तड़का होगा? बिल्कुल देसी तड़का, देसी तड़का होगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है डेस्टिनेशन वेडिंग में इतना पैसा फूकने का। वैसा बड़े कीमती चीज है, हम बता सकते हैं आपको, तो जो है उसे सेफ कीजिए। शादी दो लोगों के बीच होती है तो उन्हीं तक होनी चाहिए, उनके परिवार तक होनी चाहिए, और जो पैसा बचता है मेरे ख्याल से, जो हम सोचते हैं कि हम अपने शादी में इतना खर्च करेंगे, तो जरूरतमंदों लोगों पर अगर निछावर किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, बेहद ही नेक ख्याल है और मुझे लगता है कि इसे फैंस और भी ज्यादा पसंद करेंगे कि सपना ने जो कहा उस पर अमल हम हर किसी को करना चाहिए। सपना, अगर यहाँ बात करें कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, तो सिंगिंग का जो तरीका है, जैसे कहा जाता है कि किसी ना किसी का कोई रोल मॉडल होता है, बॉलीवुड का कोई ऐसा गाना हो जिसे आप गुनगुनाती हुई बड़ी हुई हो और आज भी जब मौका लगे तो आप उसे गुनगुना सकती हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जिसे आप हमेशा गुनगुनाना चाहेंगी या उसके साथ कोई याद जुड़ी हो? ऐसा कोई गाना नहीं है, लेकिन मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, मैं जिनकी फैन हूँ, उनकी फिल्में, उनके फिल्मों की बड़ी फैन हूँ और मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ उस गाने से। सड़क फिल्म का वो गाना है, संजय दत्त की मूवी है जी, और उसका एक गाना है, मैं काफी काफी बार उसे, हालांकि जब मैं बड़ी परेशान सी होती हूँ तो मैं उसे जरूर सुनती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि रात को सुनो उस गाने को तो बड़ा सुकून मिलता है और गाड़ी चल रही हो साथ में थोड़ी थोड़ी। चलिए, तो वो गाना अगर आप कुछ शब्द उसके अगर गुनगुना देंगी तो आपके फैंस को भी पता चल जाएगा कि वो कौन सा गाना है और शायद वो भी गुनगुना सके। हाँ बिल्कुल, वो गाना है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है ताला। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने गाया। सपना, मैं भी, मुझे भी आपके डांस और गाने बहुत पसंद आते हैं और मैंने, कई लोगों ने मुझे दिखाया कि नहीं आप ये देखिए, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो खबरों से ही वास्ता रहता है, लेकिन जब जब मौका लगता है तो ज़रूर सुन लेते हैं बीच बीच में। सपना, बदलता दौर आपने देखा है, पहले की टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे वक्त बदला, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, ऐसे में बदलते दौर में सपना ने अपने आप को किस तरह से तैयार किया है? बदलते दौर में मेरे लिए ये जरूरी है कि उस टाइम भी मैं इसी तरीके से खड़ी थी जी, और आज भी मैं हरियाणा में इसी तरीके से खड़ी हूँ। तो मैंने हर जोन के साथ काम किया है, मैंने एल्बम्स की है, मैंने रागनी स्टेज किए हैं, मैंने एज ए मॉडल अपने आप को रिप्रेजेंट किया, मैंने एज ए सिंगर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एज ए कंपोजर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एज ए राइटर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और मैं हर जोन में खड़ी उतरी हूँ। ऐसा कोई जोन नहीं रहा जहाँ मुझे लगे कि हाँ यार 10-15% मैं रह गई। तो बस यही मैं लोगों को कहूंगी कि आप कुछ भी कीजिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, काम वो करवाएगा। बिल्कुल, इंटेंशन जो भी कर सकते हो, बिल्कुल इंटेंशन अगर आपकी अच्छी होगी तो काम तो होता ही जाएगा। आपने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया है, दोस्ती की साइड इफेक्ट्स आपकी फिल्म रही है, उसमें आपने अच्छी एक्टिंग की है,
अगर इन फ्यूचर आपको मौका मिलता है तो आप कौन सी अदाकारा का रोल करना पसंद करेंगी, जो कि आपने देखा हो कि मुझे इस तरह का रोल चाहिए और अगर ऐसा रोल मिला, चाहे बजट कम हो चाहे बड़ा हो, मैं उसे जरूर करूंगी? कंगना रनौत। कौन सी फिल्म का रोल है उनका? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंगना, माफ कीजिएगा, सपना कंगना का नाम मिला है तो कंगना बार बार निकला। सपना, एक चीज यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आपकी मदर हैं वो आपको आफत मानती हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाती हैं, अगर शोज के लिए जा रही हैं तो वहाँ पर भी कई बार लाठियाँ तक चल जाती हैं, पुलिस को चलानी पड़ती है भाई भीड़ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पसंदीदा स्टार लोगों की पहुँचती हैं वहाँ पर। तो लॉकडाउन है, घर में हैं आप, कैसे, क्या ये आफत वहाँ भी बरकरार रहती है या किसी तरीके से मैनेज कर लेती हैं आपकी मम्मी? नहीं, मम्मी बहुत, मतलब मैं मम्मी जैसी हूँ इस मामले में, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और बहुत एडजस्टेबल हैं, दोनों बहुत एडजस्टेबल हैं। तो जो भी सिचुएशन हो, मतलब हमने, मम्मी ने और मैंने साथ जिया है सब कुछ, तो शायद हम लोगों को पता है कि हमें 1000 रुपए में कैसे जीना है और 1 लाख रुपए में कैसे जीना है, तो हम बड़े अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर। आफत वो मुझे इसलिए बोलती है कि मैं जान भी जाती हूँ दंगा फसाद हो जाता है, तो वो हमेशा जब भी मुझे फोन करेगी तो हमेशा ये बोलते है, और आफत आज कितनों को क्या हुआ, और आफत ये हुआ, और आफत, मतलब तो उनके उससे मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे को आफत मत कहा करो, मैं थोड़ी ना लोगों को बोलती हूँ कि आप ये ऐसे करो वैसे करो फिर आप लाठिया खाओ, तो बोलती है बात तो तेरी ठीक है लेकिन फिर भी मैं तो तेरे को आफत ही कहूंगी, तो मेरे को चिढ़ाने के उससे मेरे को आफत बोलती है, मुझे चिढ़ होती है बहुत, मैं आफत नहीं हूँ यार। तो यानी कि आफत मानती है आपकी मदर और आफत ही नाम रख दिया है आपके लिए। सपना तो बहुत दूर दूर तक नहीं बोलती होंगी वो, और यही कहती होंगी आफत कहाँ है। अब बिल्कुल सपना, एक चीज यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि शोज आप करती रही हैं, अगर जैसे आप बॉलीवुड में आपने डेब्यू किया, आपकी आपकी फिल्में और बढ़ती जाएंगी, तो क्या जिस चीज़ को आपने शुरू किया, जैसे स्टेज शो करने शुरू किए, तो क्या उसे छोड़ देंगी या उसे कंटिन्यू करेंगी? स्टेज शो अगर मिलते रहेंगे तो आप करती रहेंगी, या फिर एक लेवल ऐसा आएगा जब आप स्टेज शो करना बंद कर देंगी, क्या ऐसा कोई विचार है मन में? एक हर चीज की लिमिट होती है, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, तुम एक पीक टाइम पे जाके छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं जब तक करती रहूं जब तक लोगों को मंजूर हो, और मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझसे चंद सवाल कीजिए, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि वो टीवी पे दिखे, तो उसे 2-4 लोग जाने, तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझसे सवाल करें और मैं आपके जवाब दे रही हूँ। और जब मेरे को इस सिचुएशन पे, इस कुर्सी पे लोगों ने बिठाया है, तो मैं लोगों की जरूर पूरी करूंगी, तो मैं जब तक डांस करती रहूंगी जब तक लोग चाहेंगे, जैसे ही उनका मन उठ जाएगा मैं घर में बैठ जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सपना, जरा सी एक छोटी सी बात जाते जाते पूछना चाहेंगे कि पिछले दिनों खबरें भी आई कि सपना चौधरी की सगाई हो गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं हुई है सभी, हाँ मैंने जैसे अभी आपको खुल के बताया, आप मुझसे कुछ भी पूछिए मैं आपको उसी तरीके से जवाब दूंगी जिस तरीके के मैं इंसान हूँ। बिल्कुल, तो अगर मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि हाँ अभी सगाई नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो भी मैं इसी तरीके से खुल के बताऊंगी, हाँ मैडम हो गया, तो मैं हूँ ऐसी, लेकिन अभी नहीं हुई है और अभी मैं अपने काम में ही फोकस हूँ, हालांकि जिनके साथ होने वाली है वो भी अपने काम में बड़े अच्छे हैं और फोकस कर रहे हैं, तो हमारा दोनों का अपना करियर है, हम अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं, अभी जब शादी का वक्त आएगा तो दोनों एक दूसरे से बात करके आप लोगों को बता देंगे। बिल्कुल सपना, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक छोटा सा सवाल, लॉकडाउन है, कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में अपने अंदाज में, एक सुरीले अंदाज में लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा मैसेज, ज्यादा नहीं कहूंगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी चलती रहे, खुशी मिले बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। धन्यवाद सपना हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थी सपना चौधरी, लाखों और करोड़ों दिलों की धड़कन, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और जाते जाते उन्होंने यही कहा कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जी हाँ, हंसते हंसते पूरी जिंदगी कट जाएगी अगर आप लॉकडाउन का पालन करेंगे और घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।